हेलो पीपल, टुडे वी आर गोइंग टू मीट अ सेलिब्रिटी जो सबके घर जाती हैं। मैं तुलसी तेरे आंगन की। आजकल ये गाना थोड़े चल रहा है, आजकल तो कुछ हो रही है ट्रेंड में। क्या है? जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना तुम। ओके फाइन, बट आज का एपिसोड फुल्ली डिवोटेड है टुवर्ड्स तुलसी जी। और ये देखिए, मैं तुलसी जी की रिपॉटिंग कर रही हूँ। तुलसी प्लांट को रिपॉट करने के लिए सबसे पहले उनको मिट्टी से बहुत केयरफुली निकालना है। धीरे धीरे किनारे किनारे आप मिट्टी खोदिएगा और उसी प्लव की हेल्प से उनको निकालिएगा। फिर उसके बाद रूट्स टूटने नहीं चाहिए, बी केयरफुल। अरे थोड़ी तुलसी हमें भी दे दो, हमें भी चाय बनानी है शाम की। ठीक है, ये लो। और थोड़ी सी दे दो ना। अरे लो भाई, कितने लोग हैं, सारी तुलसी के पत्ते दे दो क्या आपको मैं? अरे नहीं, जितनी चाहिए उतनी तो चाहिए ना मुझे चाय बनाने के लिए। ठीक है, अब बहुत मिल गई, आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है, मैं तुलसी जी के पत्ते इसमें डाल देता हूँ चाय के लिए। ओके एंड नाउ, अगर आपके मन में ये सवाल है कि तुलसी सीड कैसे उगाएं, तो वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। पहले हम देखते हैं कि कैसे मिट्टी इसमें डालनी है और तुलसी डालनी है। सबसे पहले तो आपको वो होल्स को ब्लॉक करना है। मैंने यहाँ पे ठीकरी ली है और मैं कोयला डाल रही हूँ, क्योंकि कोयले से शायद कीड़े नहीं लगते हैं, ये मैं ट्राई कर रही हूँ। और ढेर सारी मिट्टी उसके ऊपर से डाल दे रही हूँ। तुलसी की मिट्टी थोड़ी गीली होनी चाहिए, इसीलिए हर दिन पानी डालना होता है तुलसी में। और ये देखिए, आपको कम से कम 1 से 1.5 इंच रूट को मिट्टी के अंदर दबाना है, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि रूट्स इंटैक्ट हो जाएं और तुलसी का प्लांट इधर उधर ना गिरे। ऊपर से थोड़ी और मिट्टी मैं डालूंगी ताकि वो बिल्कुल भी गिरने का कुछ चांस ही ना हो। और अब आप इनको प्लांट को देखिएगा, अगर मिट्टी बहुत गीली है तो हर दिन पानी मत दीजिएगा, लेकिन जनरली हम तुलसी को डेली ही पानी देते हैं, ठीक है। सो वो आपको चेक करना पड़ेगा। और ये अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि तुलसी सीड मिले तो कहाँ से मिले, तो मैं आपको बता दूँ कि जब तुलसी की सीड प्लांट पर ही ब्राउन हो जाती है फुल्ली, तभी उसको आप तोड़िएगा और सिंपली स्प्रेड कर दीजिएगा गमले में। फिर हल्की सी मिट्टी स्प्रिंकल कीजिएगा ताकि बीज उड़ ना जाए। और उसके बाद देखिएगा, 4-5 दिन के अंदर ही तुलसी खिलना शुरू हो जाएगी। और जब वो 4-5 इंच की हो जाएगी, तब ही आप उसको रीपॉट कीजिएगा। कमेंट में बिलो इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर और एवरीथिंग फ्रॉम रूट्स टू प्लांट्स अबाउट तुलसी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।